कछुआ और हंस की कहानी। एक बार की बात है, एक तालाब के पास एक कछुआ और दो हंस रहते थे। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक समय ऐसा आया कि महीनों तक वर्षा नहीं हुई और जिस तालाब में वह रहते थे वह सूख रहा था। उन तीनों ने उस तालाब को छोड़कर एक नया सरोवर खोजने का फैसला किया। लेकिन कछुआ नए सरोवर तक कैसे जा सकता था? उसे तो उड़ना ही नहीं आता था। फिर हंस को एक तरकीब सूझी जिससे वे कछुए को नए सरोवर तक ले जा सकते थे। लेकिन उसके लिए कछुए को पूरी यात्रा के दौरान बिल्कुल चुप रहना पड़ता और अगर एक बार भी मुंह खोला तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था। फिर हंसों ने एक छड़ी ली और छड़ी के दोनों सिरों को अपने मुंह में दबा लिया। फिर कछुए ने छड़ी को अपने मुंह में मजबूती से पकड़ लिया और सब एक साथ उड़ गए। तालाब के रास्ते में उन्होंने कई पहाड़, शहर और कस्बे पार किए। कछुए के लिए तो यह एक अद्भुत यात्रा थी। रास्ते में लोग इस अनोखे नजारे को देख रहे थे। फिर एक गांव में बच्चों ने चिढ़ाते हुए कहा, वो देखो, कछुआ उड़ रहा है। कछुए ने तुरंत जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला और जैसे ही मुंह खोला वह डंडे से छूट गया और नीचे गिर गया। कहानी का निष्कर्ष यह है कि हमें बिना वजह और बिना मतलब के नहीं बोलना चाहिए।